तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयान और आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन के इंटरनेट को नेटवर्क को अपने लैपटॉप में जोड़ सकते हो, लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह है मेरे पास एक हुआई का फ़ोन और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम मोबाइल के नेटवर्क को लैपटॉप से जोड़ सकते हैं, कैसे हम जोड़ पाएंगे वो बताने वाला हो। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अलटेक मेकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़े जितने भी लेटेस्ट अपडेट आता रहे वो सबसे पहले आप हासिल कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इस मोबाइल को हम ऑन कर लेते हैं और बताते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल के नेटवर्क को, मोबाइल के डाटा को लैपटॉप में चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर है, इस मोबाइल को अनलॉक कर लेते हैं और यहाँ से आपको हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम हॉटस्पॉट, हमारे हॉटस्पॉट यहाँ है, मोबाइल हॉटस्पॉट, और इसमें हम क्लिक कर लेंगे। प्रेस करके रखना है और यहाँ पर हॉटस्पॉट ओपन हो जाएगा। सेट अप वाईफाई हुआई Y3 2017 है, तो इसको मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, आयान आयान नाम रख लिया मैंने, WPSPSK WPA2PSK। और पासवर्ड यहाँ पर दिखा रहा है, पासवर्ड शो कर लेना है, AATFD है, तो ये कुछ याद नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ से पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ, के 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट, 8 डिजिट का पासवर्ड आपको रखना है। द पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको 8 डिजिट का पासवर्ड रख लेना है और सेव कर देना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, चलिए ये सेव हो गया और हमारा हॉटस्पॉट भी एक्टिव है, पोर्टेबल हॉटस्पॉट आयान एक्टिव। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपको लैपटॉप के बाद ही आता है, तो लैपटॉप में कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर वाईफाई में क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ इसे डिसकनेक्ट कर देना है पहले का जोड़ा नेटवर्क को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आयान आ चुका है और इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्ट नहीं होगा, देखिए फ्रेंड्स, ये पहले से पहला कनेक्ट किया था मैंने, और इसे आपको फॉरगेट कर देना है। देखिए यहाँ पर कनेक्ट करना है आपको और यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड रखने को बोलेगा, तो हम पासवर्ड रख देते हैं 128, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटर कर देना है 2 बार। देखिए यहाँ पर हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, नो इंटरनेट एक्सेस, इसमें पैसा नहीं है, नेट डाटा ओपन नहीं है, तो ये ऐसा दिखा रहा है। अगर आप अपने डाटा खोलकर चला सकते हो इसे, अगर लैपटॉप चलाना है तो डाटा खोलकर चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना हमारा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल ऑलटेक मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे चैनल से जुड़े जितने भी लेटेस्ट अपडेट होता रहे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और गुड बाय।